मैं राहुल और आप मेरे चैनल शिवायरा व्लॉग देख रहे हैं। आज हमारी पहली सर्विसिंग है गाड़ी की, और देख सकते हो कि हमारी गाड़ी 2221 किलोमीटर तक चल सकती है। तो चूँकि अभी तक ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं कि आज कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये निसान नियो, निसान गाज़ियाबाद का सर्विस सेंटर भी कह सकते हो आप, शोरूम भी यहीं पर ही है, यहीं से मैंने गाड़ी निकलवाई थी। तो आज हम आपको, पहले दिन है हमारा, तो हम देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कितना पैसे लगे हमारे, नहीं लगे। हाँ, तो आप देख सकते हो कि गाड़ी मैंने यहाँ सर्विसिंग के लिए लगा दी है, और गाड़ी की मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। 2221 किलोमीटर अभी तक हमारी गाड़ी चल चुकी है, और ठीक है, हम देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। ये कुछ इस तरीके से गाड़ी वगैरह यहाँ से सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं। तो एक बार बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कैसे कैसे प्रोसीजर है और कितनी देर में मुझे गाड़ी मिलेगी, उसके बाद में जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। देख रहे हैं आप लोग, मुझे अपनी गाड़ी सर्विस होने के बाद में मिल गई है, और मैंने गाड़ी दी थी अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे, और अब मुझे करीबन 6:45 के आसपास उन्होंने गाड़ी हैंडओवर कर दिया। और गाड़ी सर्विसिंग अच्छी तरीके से हुई, मैंने खुद भी जाके देखा था कई बार, उन्होंने अच्छे से वॉशिंग करी थी अंदर से, बाहर से पानी के साथ में करी थी और अंदर से एयर ड्राई करके साफ़ की गाड़ी, तो ठीक रही सर्विस। थोड़ी बहुत पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक तो सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि एक इनका सर्विस का प्लान है जो कि ये बताते हैं कि 17,400 समथिंग का है, उसमें सर्विसिंग जो है 50,000 तक आपको फ्री पड़ती है, मतलब आपको उसके बाद कोई भी ना इंजन ऑयल का कोई चार्जेस देना है, ना ही इसका आपको वाइपर के जो ब्लेड्स होते हैं वो भी घिस जाते हैं कुछ सालों बाद में, तो उसका भी कोई नहीं चार्जेस देना होता। तो वो एकदम एक इनका ऐसा प्लान है कि वो कम्प्लीटली उसमें आपको 17,400 देने के बाद में आपको कुछ भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको गाड़ी देनी है, सर्विसिंग होने के बाद में ये गाड़ी आपको वापस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये तो रही बात वो प्लान की। अगर आप फ्री चार्जेस, आप फ्री सर्विसिंग, ये पहली जो मेरी सर्विसिंग थी ये तो आप ये मान लो कि बस एक चेकअप था, उसमें ना ये लोग कोई इंजन ऑयल चेंज करते हैं ना कुछ, इसमें कोई ऐसा एक बस क्लीनिंग करते हैं, साफ़ करते हैं, और थोड़ा बहुत जो एयर प्योरीफायर होता है अंदर से उसको बस क्लीन करते हैं, बाकी इस लोग कुछ भी इसमें नहीं करते हैं। और जो दो सर्विसिंग इसके बाद में जो फ्री बोलते हैं, तो उस फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम फ्री पड़ेगी, उसमें ये लोग मेंटेन जो भी लेबर चार्ज होता है वो सिर्फ फ्री रहता है, जो भी 10,000 और 20,000 का जो अगली दो आपकी सर्विसिंग है उसमें आपको इंजन ऑयल के चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, और जो भी आपको उसके अलावा कुछ भी खर्चा आता है वो आपको ये बता देंगे, उसके बाद में आपको वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी, और एक ये भी है मेन इंपॉर्टेंट कि अगर आपको प्लान लेना है 17,000 वाला, तो उसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको वो विद इन, मतलब आप जब गाड़ी परचेज जब आपने करी है उसके विद इन 3 मंथ्स के अंदर ही लेना है। अगर आपको 3 महीने के ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो कंपनी आपको वो डील ऑफर नहीं करती, और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज जो कि मुझे नहीं लगता कि बेनिफिट है, तो बेटर है। मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने कि ऐसा कुछ है प्लान, मैंने तो पूछा भी था, पर आज जैसे कि मेरी बात हुई, आज मैं सर्विसिंग कराने के लिए आया हुआ था, तो आज ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है कि 3 महीने के अंदर आपको वो ऑफ करना है,
अगर आप नहीं ऑप्ट करते हो तो निसान गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती। तो ये छोटी मोटी जानकारी थी, अगर आपको थोड़ी आपको मेरी जानकारी ठीक अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ सुझाव उसके अलावा तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।